स्टूडेंट्स वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 सीबीएसई स्टेप अप मैथ्स रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 11 भेजिए, तो बिल्कुल जैसा 10th है वैसा ही है। हम लोग ये चार क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज़ अच्छे से पूरा एंड तक देखिए तो आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन में नहीं रहेंगे। ओके, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, उससे और वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स एंड द सब्सक्राइबर्स। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सवाल है, इज 0.5 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 वाई और वाई नॉट। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किन को बोलते हैं हम लोग? a बाय बी को b बाय ए का और b बाय ए को a बाय बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट आता है 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो b और a कट जाएगा, मेरा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब जो भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा उन दोनों को ही एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोला जाता है। तो अब सवाल था, इज 0.5 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। चेक करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके। 0.5 इंटू 1/2, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आया तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? बहुत ही आसान है। या तो क्या करो आप, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 वन 0.5, नीचे है 2 वन 2। अब डिवाइड कर दो 0.5 को 2 से। मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखो पहले तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब पॉइंट के आगे की संख्या नीचे लेने के लिए पहले देना पड़ेगा पॉइंट, फिर मैं 5 को लूँगा नीचे। फिर आया 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, फिर एक 0 दिया, 2 5 ज़ा 10। तो मेरा आंसर कितना आया? 0.25। तो मैंने यहाँ पे लिखा होता एज 0.5 मल्टीप्लीकेशन बाय 1/2 इज नॉट 1, सो 0.5 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2। हो गया हमारा आंसर। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन हमने किया, इसको आप दूसरी मेथड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते थे? 0.5 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करके चेक करना है 1 आता है कि नहीं। क्या कर सकते हो? पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? नीचे आएगा 10। क्यों 10 नीचे आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, इसलिए 10 आया। अब क्या आया ऊपर? 5 वन जा 5, नीचे 10 टू जा 20। 5 को 20 से डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, सेम 0.25। डिवाइड करके देख सकते हो, 5 को 20 से डिवाइड कर दिया। देखो उल्टा मत करना, ऐसे मत करना, ये जो न्यूमरेटर होता है इसको डिवाइड करना होता है, वो डिविडेंड होता है हमारा, वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो डिवाइड उसको ही करना है। तो सबसे पहले मुझे 0 से डिवाइड करना पड़ता, अब नीचे लेने के लिए मेरे पास संख्या है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे लेने के लिए संख्या है ही नहीं तो मैं पॉइंट दूंगा, 0 दूंगा, 20 टू जा 40, 10 आया, फिर 0 लिया और 25 जा 100। देखो आंसर फिर से मेरा कितना आया? 0.25। तो मेथड कोई भी करो, सिंपल करना क्या है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 1 आया तो बोलो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, नहीं आया तो बोलो नहीं है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट नंबर शुड बी एडेड टू धिस नंबर टू गेट धिस नंबर। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है यार क्या करना है। आप क्या करो, आसान है, इनके ये नंबर चेंज कर दो। जिसको थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या करना है, नंबर चेंज करो, आसान करो। वॉट नंबर शुड बी एडेड टू 100 टू गेट 120। अब आप खुद ही मुझे जवाब दे दोगे आंसर क्या आया करके। 20 आया लेकिन 20 कहाँ से निकाला हमने? सो 120 में से 100 हमने माइनस किया। इसका मतलब हमको करना क्या है, 120 की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या नंबर है? 7/6। तो इसका मतलब मुझे सिंपल 7/6 में से ये नंबर माइनस करना है। वो नंबर क्या है मेरा? -5/12। तो डबल माइनस आ रहा है, इसमें सिर्फ ध्यान देना है।
ठीक है, सो दैट नंबर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। सो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये आया 7/6, माइनस माइनस प्लस 5/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या एलसीएम कर सकते हो, तो मैं एलसीएम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, है ना। देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, 12 6 72, एलसीएम 72 पकड़ते हैं, वैसे नहीं करना है। एलसीएम का मतलब होता है ये दोनों के टेबल में आने वाली सबसे पहली संख्या। अगर आपने दोनों टेबल भी लिखे होते थोड़े से ही, तो आपको समझ में आ जाता कि भैया दोनों के टेबल में सबसे पहले तो 12 ही आता है, तो एलसीएम 12 हो गया। ठीक है, दूसरा और आसान चीज कि 6 के टेबल में अगर 12 आ रहा है तो एलसीएम 12 ही रहेगा। मतलब अगर आप 8 और 16 का एलसीएम निकाल दोगे तो 16 ही रहेगा, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, इतना आसान। बराबर, चलो मैं इसको थोड़ी यहाँ पे जगह तैयार कर लेता हूँ स्टूडेंट, इसको मिटा देता हूँ। ओके चलो, तो अब मुझे डिनोमिनेटर कितना करना है, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो सेकंड में तो ऑलरेडी 12 ही है, तो कुछ नहीं करना है मुझे। यहाँ 12 करने के लिए इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 कर दिया, तो अब डिनोमिनेटर मेरा आ गया सेम 12, ऊपर कितना है 14 + 5, सो मेरा फाइनल आंसर इज 19/12। सो आंसर वर्ड्स में लिखना भूलना नहीं है हमको, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स मिलते नहीं है पूरे। सो दैट नंबर इज, हमारा सवाल था व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो हमने बोला दैट नंबर इज 19/12। चलो, आई होप क्वेश्चन जम गया राइट। चलो तो फिर हम लोग बढ़ रहे अगले क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हुज साइड इज 1 integer 2/3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर हमको कितना दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 1 integer 2/3। इसको आपको सॉल्व करना आता होगा, है ना। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, फिर ये न्यूमरेटर ऐड करते हैं उसमें, और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं। सो 3 1 3 3 + 2 5 5/3 मीटर, ये है साइड। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर का लगाओ फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, या फिर इसी को साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, कोई भी एक तरीके से लिखो। तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड का क्या मतलब हुआ, 5/3 × 5/3। सो आंसर इज 5 5 = 25, 3 3 = 9। अब बहुत से बच्चे गलती से यूनिट सेंटीमीटर लिखते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। क्यों ये ऐसे आया, क्योंकि हमने क्या किया, साइड इंटू साइड किया ना। सो 5/3 × 5/3 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया 5 5 = 25, 3 3 = 9, इसलिए हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। हमेशा याद रखो, सॉरी मीटर है, क्वेश्चन में हमको मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिखना है। ओके, सिर्फ सेंटीमीटर के जगह मीटर आया, बस इतना ही फर्क है, बाकी फंडा वही है। अरे यार मेरा इरेजर कहाँ गया, यस। तो चलो, मुझे सिर्फ मैं सेंटीमीटर मिटा रहा हूँ, सेंटीमीटर की जगह हमारा आंसर मीटर में है, हाँ बाकी कोई फर्क नहीं, ये चीज़ें मीटर मीटर थी तो आंसर आया मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर मीटर, बात एक ही है। लास्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर आपको क्वेश्चन जम रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटा सा वीडियो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 2/15 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -8/9, फाइंड द अदर। फिर से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि यार किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करें, ऐसे करें, 2/15 / -8/9, ये ठीक है कि -8/9 / 2/15, ये ठीक है, यहीं पे थोड़ा गड़बड़ रहता है बच्चों का, है ना। तो सिंपल, फिर से मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन करके दिया था सेकंड वाला, बस वैसे दिमाग लगाओ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यहाँ ले लो 100, समझने में आसानी जाएगी, इसलिए सिर्फ समझने के लिए। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट 100 है, ओके, एंड वन ऑफ द नंबर्स इज ले लो 20, एक नंबर उसमें से 20 है दूसरा निकालना है, तो कितना रहेगा दूसरा नंबर, आपको आ गया, आपने क्या किया, इससे डिवाइड किया। इसका मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। सो सिंपल है, सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2/15 / -8/9। अभी आपको आता है मेरे ख्याल से,
डिवाइड का करो मल्टीप्लाई और इसका करो रेसिप्रोकल, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल माइनस 9/8। अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, 3 3 9, 3 5 15, 2 1 2, 2 4 8, तो ये क्या आया 1/5। यहाँ पे आया है 1/5, पहला फ्रैक्शन बना 1/5 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा बना -3/4। अब ये प्लस है, सो प्लस इनटू माइनस इज माइनस, 3 1 3, 5 4 20, हो गया क्वेश्चन खत्म। सो देयर फोर सेकंड रैशनल नंबर इज -3/20। सो स्टूडेंट्स, आई एम 100% श्योर, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है तो ये चारों ही क्वेश्चन आपको आराम से जम जाएंगे और इस स्टेप के बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। प्लीज़ मुझे बताइए आपका, आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मुझे बताइए अगला वीडियो में कौन सी चैप्टर पे कौन से क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो मैं पहले निकाल। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय।